गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 10 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। चैप्टर 10 इज अ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। We are going to understand about the cell, different types of cell divisions, that is the mitosis and meiosis. Mitosis is known as equational division, as we know, and meiosis is known as reduction division. Why is it called so? Because mitosis ke andar hamare सेम क्रोमोसोम रहते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट में होते हैं। तो पेरेंट्स के क्रोमोसोम के सेम अगर क्रोमोसोम हो तो फिर उसको माइटोसिस कहते हैं। तो सेल अगर पेरेंट क्रोमोसोम ये है, पेरेंट क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम्स हमारे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, तो पेरेंट क्रोमोसोम में जितने क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में अगर होंगे, और सेल दो डॉटर सेल्स में बदलता है, देन बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन इट इज नोन एज माइटोसिस। Daughter cells is also having the same number of chromosomes. If the parent was having two, then the daughter cells will also having two chromosomes. This is known as mitosis. So therefore, it is called as equational division. क्योंकि जो LHS है, यानी parent cell का जो chromosome number है, और RHS है, वो दोनों same है, यानी कि daughter cells के भी chromosome number same है पेरेंट सेल से, तो ये दोनों सेम होने की वजह से हम इसे बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सो इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। नाउ मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंट क्रोमोसोम के जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे सेल्स के, वो पेयर में होंगे। एक पहली बात तो वो होमोलोगस पेयर में होंगे, और
सो वी विल बी स्टडिंग दिस बाय द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आई एम अबाउट टू ओपन इट एंड द स्क्रीन शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. सो माइटोसिस में सेम क्रोमोसोम नंबर रहते हैं जो पेरेंट के होते हैं और जो डॉटर सेल्स में जाते हैं, और मियोसिस में डिफरेंट होते हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं. क्योंकि गैमेट्स बनते हैं मियोसिस से. मियोसिस मेक द रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली सेक्सुअल सेल्स. ठीक. नाउ यू आर एबल टू विजुअलाइज द मियोसिस वन. मियोसिस वन इसमें अर्ली प्रोफेज पहले इंटरफेज बता रखा है. इंटरफेज में जो क्रोमेटिन है वो इनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है. देन अर्ली प्रोफेज में थोड़ा सा थ्रेड्स के फॉर्म में वो आने लग गया हमें दिख रहा है. प्रोफेज में वो थोड़ा कंडेंस और हो गया है, तो इट इज लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ दैट क्रोमोसोम्स आर देयर एंड दैट टू डार्क स्टेन्ड क्रोमोसोम्स आर सीन. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज आर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच हैव टेयर्ड. सारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो चुके हैं. मेटाफेज में देयर इज द क्रोमोजोम हैज अलाइंड ऑन द सेंटर ऑफ द सेंटर प्लेट. और एनाफेज में दे हैव मूव्ड एट द कॉर्नर्स. एंड टीलोफेज, इन द टीलोफेज यू कैन सी दिस इज द मियोसिस टीलोफेज वन. सो कॉर्नर में पहुंचकर और दे हैव ऑल्सो मेड देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इवन वी कैन से दैट टू सेल्स आर अबाउट टू फॉर्म बिकॉज बीच में भी एक फरो जैसा बनने लग गया है. सो दिस इज द पेरेंट सेल इज डिवाइडिंग इन टू टू डॉटर सेल्स आफ्टर द मियोसिस वन. मियोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिविजन दैट हैव So meiosis is a cell is a form of cell division that have half the number of chromosomes when form specialized reproductively cells such as gametes or spores. So meiosis एक ऐसी form of cell division है जो chromosome number को आधा कर देती है जब specialized reproductive cells बनाती है such as gametes or spores. Meiosis involves only one replication of DNA but two divisions of nucleus. मियोसिस के अंदर एक ही बार सेल रेप्लिकेट होता है बट दो डिविजन होते हैं न्यूक्लियस के. मियोसिस वन और मियोसिस टू होती है. न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है और डीएनए एक ही बार डबल होता है, जबकि इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं. मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ ब्लू कलर से दिखा रखे हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी ऐसी की ऐसी ही है. तो मियोसिस वन में क्या स्टेजेस हो रही हैं हम देख रहे हैं.
तो एक होमोलोगस मतलब सेम मॉर्फोलॉजिकली सेम मैटरनल और पैटरनल क्रोमोसोम दोनों पेयर हो रहे हैं, और इधर भी टेट्राड जब बन रहा है तो एक मैटरनल और दूसरा पैटरनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर जो लॉन्ग क्रोमोसोम्स हैं दोनों एक ही सेम शेप के सेम साइज के, ऐसे क्रोमोसोम्स को ही होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और वो टेट्राड बना रहे हैं, यानी कि अब उनके अंदर फोर क्रोमेटिड हमें दिख रहे हैं, इसी वजह से टेट्राड बोला जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग फोर यूनिट्स, फोर क्रोमोटिन फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स भी यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, दो पोल्स पे पहुंचे हुए, तो स्पिंडल फाइबर्स आर देयर, एंड देन इन द नेक्स्ट वी सी द काइनेटोकोर्स, द काइनेटोकोर्स हैव अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स ऑफ अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ के स्पिंडल फाइबर्स ने काइनेटोकोर्स को ज्वाइन कर रखा है, और होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेस की प्लेट पे, मिडल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं। देख रहे हो कि पहले केस में ब्लू क्रोमोसोम ऊपर है और ग्रीन नीचे है, जबकि दूसरे क्रोमो प्लेस में ग्रीन क्रोमोसोम ऊपर है, ब्लू क्रोमोसोम नीचे है। जब एनाफेज हो रही है तो ये डिवाइड हो गया है, और डिवाइड होके क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोम कह सकते हैं होमोलोगस पेयर सेपरेट हो चुके हैं। सो एक मैटरनल क्रोमोसोम और ईदर पैटरनल क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ द पेयर विल गो टूवर्ड अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अब ये होमोलोगस पेयर सेपरेट हो चुके हैं, और जो टीलोफेज वन के बाद जो साइटोकाइनेसिस वन होगी, तब दो ऐसे सेल्स बनेंगे जिनमें ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अब इसको हम फर्दर देखें तो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन के बाद क्रॉसिंग ओवर दिखाई हुई है, जो प्रोफेज वन में होती है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंजेस द पार्ट ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स कंडेंस होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, क्रॉसिंग ओवर व्हेन पोर्शंस ऑफ अ क्रोमेटिड ऑन वन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ब्रोकन एंड एक्सचेंज्ड। क्रॉसिंग ओवर वो होते हैं जब पोर्शन क्रोमेटिड्स का एक होमोलोगस क्रोमोसोम का ब्रोकन होता है, टूटता है और एक्सचेंज होता है कोरस्पॉन्डिंग क्रोमेटिड पोर्शन से, दूसरे क्रोमोसोम का भी वही पोर्शन उसमें एक्सचेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर हुए थे, तो यहाँ पर अगर ब्लू वाले क्रोमोसोम से इसने उस ब्लू वाले क्रोमोसोम का पार्ट अगर क्रोमोसोम पहले वाले क्रोमोसोम में गया है, तो पहले वाले क्रोमोसोम का भी व्हाइट पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में गया है, स्विच किया है, तो दे स्वाइप देयर पोजीशंस, अपनी अपनी पोजीशंस को वो स्वाइप कर लेते हैं, और क्रोमोसोम को इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्सचेंज करना। तो ब्रोकन पार्ट्स को एक्सचेंज किया एंड कोरस्पॉन्डिंग क्रोमेटेड पोर्शन से एक्सचेंज किया होमोलोगस क्रोमोसोम से। क्रॉसिंग ओवर इज एन एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर एक फॉर्म है जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करी जाती है, नई जीन की कॉम्बिनेशन बनाई जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर द टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोजोम नो लॉन्गर कंटेन आइडेंटिकल जेनेटिक मटीरियल, और रिजल्ट क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसा आता है कि जो दो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम के, वो अब आइडेंटिकल नहीं रह जाते, जेनेटिक मटेरियल उनका सेम नहीं रह जाता। ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इवन क्रॉसिंग ओवर के बाद जेनेटिक वेरिएशन का एक क्रॉसिंग ओवर भी एक सोर्स हैज एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन हाउ रैपिडली ऑर्गेनिज्म कैन चेंज। क्रॉसिंग ओवर और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते वक्त गैमेट्स को मियोसिस से बनाते हैं, उनके पास स्कोप होता है कि जल्दी वो इवॉल्व कर सकते हैं। मेटाफेज वन पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर मूव्ड बाय द स्पिंडल टू द इक्वेटर ऑफ द सेल, पेयर रिमेन्स टुगेदर। पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के स्पिंडल से अटैच होकर अब इक्वेटर के पहले अरेंज होते हैं, और फिर
एनाफेज वन के वक्त होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से वो सेपरेट नहीं होता, ईच क्रोमोसोम इज स्टिल कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम के अंदर अभी भी दो क्रोमेटिड हैं बट होमोलोगस पेयर सेपरेट हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेयर सेपरेट हो चुके हैं, एक ग्रीन क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा ग्रीन दूसरे पोल की तरफ जा रहा है, एक ब्लू दूसरा ब्लू दूसरे पोल की तरफ गया है। टीलोफेज वन में इंडिविजुअल क्रोमोसोम गैदर एट ईच ऑफ द पोल, टीलोफेज वन में इंडिविजुअल एक एक क्रोमोसोम पोल की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, सेल डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस, फॉर्मिंग टू न्यू सेल्स, दो नए सेल्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होते हैं मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में। अब यहाँ पर हमको दिख गया किस तरह से ये कह रहे हैं कि दो सेल्स के अंदर एक एक क्रोमोसोम चले गए हम लोग। प्रोफेज टू में अ न्यू स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम्स, प्रोफेज टू में बहुत स्पिंडल बनेगा क्रोमोसोम्स के अराउंड, और मेटाफेज टू क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द इक्वेटर एंड आर अटैच टू देयर सेंट्रोमियर्स टू स्पिंडल फाइबर्स। एनाफेज टू सेंट्रोमियर्स डिवाइड, क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, एनाफेज टू में सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो जाता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो भी दो अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं। टीलोफेज टू न्यूक्लियर एनवलप उनके चारों तरफ बन जाती है और अब हर सेल में दो क्रोमोसोम्स होंगे जिनके सिंगल सिंगल ही सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, और इस तरह से भी मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन का रीजन बनती है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लू क्रोमोसोम पे दो कैपिटल जी जीन थी और येलो क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई, वहीं पर एक और येलो क्रोमोसोम पे स्मॉल जी हैं और दूसरे येलो क्रोमोसोम दूसरे ब्लू क्रोमोसोम पे स्मॉल वाई हैं। जब ये अरेंज हुई हैं तो दो केसेस में अरेंज हो सकती हैं, या तो ऊपर वाले तरह से गैमेट बन सकते हैं या नीचे वाले डाउनवर्ड तरीके से। जब नीचे वाले तरीके से बन रहे हैं तो कैपिटल जी और स्मॉल जी एक साथ हैं, और जबकि यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई एक साथ हैं। और इस केस में जब ये मेटाफेस प्लेट्स पे लग रहे हैं तो दोनों ब्लू क्रोमोसोम एक लाइन में लगे हैं, दोनों येलो क्रोमोसोम दूसरी लाइन में लग गए हैं, और जब ऐसे सेल्स बन रहे हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह ही बन गए हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह जो डोमिनेंट जीन है वो दोनों एक साथ ही गई हैं, और जो रिसेसिव एक डोमिनेंट एक रिसेसिव गई है, दूसरे में भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव गई है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल जी और कैपिटल वाई के साथ पेयर हुआ है, स्मॉल जी स्मॉल वाई के साथ पेयर हुआ है, तो यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन दो सेल्स गैमेट्स में गई और दोनों रिसेसिव जीन्स के गैमेट्स बने। तो इस तरह से वेरिएशन जनरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, और इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं कि जीन्स मियोसिस वन करते वक्त इंडिपेंडेंटली अरेंज हो सकती हैं एक दूसरे से। थ्री मैकेनिज्म्स मेक की कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक वेरिएशन, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो तीन वजह से सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आता है, एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर के वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पर देखा जाता है मियोसिस वन में, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो अभी आपने देख ही लिया, या तो ये वाला स्कीम फॉलो होएगा जब भी क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन सेपरेटली गैमेट्स में जाएंगी, या तो अबव कम्बिनेशन के गैमेट्स बनेंगे दिस फोर काइंड, और ये और या तो डाउनवर्ड वाला फॉलो होएगा तो इस तरह के गैमेट्स की कॉम्बिनेशन बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये हुआ कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ, एंड रेंडम फर्टिलाइजेशन क्योंकि कोई सा भी गैमेट किसी से भी फ्यूज हो सकता है, फिर तो रैंडम फर्टिलाइजेशन भी रैंडम होती है, तो ये भी एक रीजन बनती है जेनेटिक वेरिएशन का। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है होमोलोगस क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस।
एग प्रोड्यूसिंग स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी आप देख सकते हो कि अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म से फ्यूज करता है तो बॉय होता है, एंड अब इफ एक्स कंटेनिंग स्पर्म इज फ्यूजिंग विद द एक्स कंटेनिंग एग देन गर्ल टेक प्लेस, गर्ल बेबी टेक प्लेस, एंड द नंबर ऑफ द जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट कैन अकर अमंग द गैमेट्स इज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, और जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो अनलिमिटेड हो सकती है। यहाँ पे वीडियो भी दिखाया हुआ है आपको मियोसिस का, लेट अस सी कि ये वीडियो प्ले होता है कि नहीं, अगर होता है तो आप इसको देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वीडियो विजिबल है, इट्स ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको वीडियो दिखे मियोसिस की यू कैन वॉच इट, एंड आई होप आपको पावर पॉइंट से भी समझ में आ गया होगा, एंड रीड योर एनसीईआरटी एज वेल, एनसीईआरटी से भी आप रीड करेंगे तो यू विल फाइंड इट ईजी, वंस और टू टाइम वेन यू रीड इट देन यू आर श्योरली गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।